हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ कंदे की पत्ते की सब्जी। ये देखिए, ये मसाले मैं पहले से ही पीस कर रखी हूँ। इसमें लहसुन, जीरा, काली मिर्च, अदरक और लाल मिर्च है। और ये पिसा हुआ दो टमाटर है। और ये है बेसन, इसमें हम थोड़ा सा मसाला मिला दिया है और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब हम पत्ते को इस तरह से एक प्लेट लेंगे, इस तरह से रखेंगे। उसके बाद हल्का हल्का बेसन इसके डालकर अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, इसी तरह हम मिलाते जाएंगे। फिर हम इस पत्ते को अच्छी तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से। फिर हम इसको धागे से बांध देंगे ताकि ये खुले नहीं। ये देखिए, इस तरह से हम बांध लेंगे ताकि ये खुले नहीं। फिर उसके बाद ये देखिए, हम कढ़ाई में गरम पानी करेंगे। गरम पानी करने के बाद इस पत्ते को हम इस पानी में एक मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि बॉईल हो सके। देखिए ऐसे बॉईल होने के बाद ऐसा दिखेगा। फिर हम ऐसा छोटा छोटा पीस बना लेंगे। फिर हम गरम कढ़ाई करेंगे, उसके बाद तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद हम बेसन में इस तरह से मिलाएंगे। उसके बाद हम डालेंगे गरम कढ़ाई।
अब हम इसे तलेंगे। अब हम इसे निकालेंगे। ये देख, अब हम डालेंगे इसमें जीरा। उसके बाद हरी मिर्च, प्याज, अब डालेंगे हम मसाले। अब हम डालेंगे पिसा हुआ टमाटर। स्वाद अनुसार नमक, अब हम डालेंगे पानी। पानी को 2 मिनट तक गर्म रखते हैं। फिर उसके बाद डालेंगे हम इसे हम 2 मिनट तक पकने देते हैं। ये देखिए, अब सब्जी बनकर तैयार हो गया है।